सोलन के नगर परिषद में पार्षद भरत साहनी, मधु कौशिक, मुकेश वर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, नरेश गांधी ने मिलकर सोलन एक शिकायत पत्र कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि सोलन में विकास के कार्यों को कछुए की चाल से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जिसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जो कार्य किए भी जा रहे हैं उनमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसकी वे विजिलेंस जांच की मांग करते हैं। उन्होंने नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को स्लोगड़ा में बने पिट्स को लेकर भी रोष जताया और कहा कि इसकी जांच जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इस मौके पर पार्षदों ने कहा कि सोलन में हो रहे विकास कार्य में बहुत सी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। एक ही व्यक्ति को बार बार टेंडर दिए जा रहे हैं, निर्माण कार्य आदेशों और निर्देशों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं। स्लोगड़ा में बने पिट्स इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्लोगड़ा में बने पिट्स को उच्च अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोलन नगर वासियों की कमाई अधिकारियों की लापरवाही की वजह से व्यर्थ जा रही है, इसलिए वे निर्माण कार्य की विजिलेंस जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारी अधिकारी इसकी जांच नहीं करवाते हैं तो सभी पार्षद खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी जांच विजिलेंस से करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले की न केवल सख्त जांच होनी चाहिए बल्कि जो भी दोषी है उससे नगर परिषद को ही हानि की वसूली भी करनी चाहिए। हमने इस शिकायत पत्र में देखा है कि भी जो स्लोगड़ा में जो पिट वगैरह तैयार किए गए हैं वो उसका प्रोसीजर क्या रहा, उसकी आपको डिज़ाइनिंग क्या थी जो एनजीटी ने दी थी। आज आप उसको एडमिट कर रहे हैं कि भी उसमें डायरेक्टर ने बोला कि ये गलत बने हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो किसको अवार्ड हुई थी, उसकी डिज़ाइनिंग यदि गलत हुई है तो आपने किसके ऊपर जिम्मेदारी। और हमने ये मांगा है कि पिछले 3 साल में जितने भी ऑफलाइन टेंडर हुए हैं वो उसकी हमारे को पूरी सूची दी जाए। ठीक है, हमने बोला है कि भी उसमें भी किसके लेवल पे हुई है उसकी जांच की जाए और उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है। ये जो पैसे जो जनता के खून पसीने की कमाई है वो कौन कौन आदमी है जो इसको ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए जांच की जाए और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। ये नहीं कि जिसका जो मन आया वो करता जाए, ये जनता के पैसे हैं, सरकार के पैसे। हमने बोला है कि ये जो पिटका वाला मामला है आप उसको विजिलेंस पे दो, यदि नहीं देंगे तो हम पार्षद लोग उस पे जाके विजिलेंस पे जा सकेंगे। हमने इनको बोला है कि भाई आप ईओ साहब को बोला है यदि इसमें जो त्रुटियां हुई हैं जिस स्तर पे भी हुई हैं वो अवार्ड लेटर कहाँ है, उसमें जो उसकी वो असेसमेंट हुई है वो उसके बारे में उसको देखा जाए, उसकी डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये एक डंगे और रास्ता बनाने का काम नहीं है, ये एनजीटी ने एक स्पेसिफिक काम दिया था तो ऑब्वियसली इसकी एक डिज़ाइनिंग होगी, उस डिज़ाइनिंग की वायलेशन कहाँ हुई है उस बारे में प्रॉपरली जाँच की जाए और जिसकी गलती है उसके खिलाफ उसके उससे रिकवरी करवाई जाए। इस बात की रोगड़ा के अंदर कुछ पिट्स बनी है उसके अंदर कुछ अनियमितताएं पाई गई, उस अनियमितताएं को पाने के लिए और उस पर जाँच जिस ठेकेदार ने वो गलत काम किया है जिससे पब्लिक का पैसा और सरकार की जो छवि उस जो टेंडर जिसने किया है उससे ख़राब हुई है, उसकी जांच की हमने बात की है। ईओ साहब से हाउस में पास हुआ उस टाइम जब बोल रहे हैं कि टेंडर्स एक ही वेंडर को एक ही टेंडर कैसे आप बार बार अलॉट कर सकते हैं, एक ही काम के ऊपर बार बार टेंडर नहीं लग सकते, कई चीज़ें हैं, उन्होंने उसके कागज़ मांगे हैं इनसे कि कागज़ निकाल करके उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, अगर उसने कुछ गलत किया गया है तो उस ऐसे वेंडर को ब्लैकलिस्ट किया जाए यहाँ से। ये स्लोगड़े का विषय है तो हम चाहते हैं भी जो भी काम हम करते हैं या करवाते हैं तो वो गलत तरीके से ना हो, हमें लगा उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। आज हम ये साहब के पास उस ज्ञापन को देने आए थे भी आप इसकी जांच कीजिए और निष्पक्ष तौर पर सरकार की छवि खराब ना हो उस प्रकार से काम कीजिए। भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य हो रहे तो हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो जो इन्वॉल्व हैं उनको दंडित किया जाए भी। जो भी कार्य हम कराते हैं ये हमारी जनता के गड़े खून पसीने की कमाई के टैक्स के रूप में जो हमें प्राप्त होता है उससे विकास कार्य करवाए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भी आज हम इसी विषय को लेकर हम यहाँ पर आए थे भी काम की गुणवत्ता और काम की सही निष्पक्ष जांच हो और जिस भी व्यक्ति ने इस काम को गलत करने की कोशिश की गई है उसको दंडित किया जाए और कार्य उससे ठीक करवाया जाए। वहीं जब इसके बारे में कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ पार्षदों ने एक वर्ष बाद इस मुद्दे को अचानक उठाया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी जानकारी है, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनके निर्देशों पर इसे
ठीक किया जा रहा है। जब इसके टेंडर हुए उस समय क्या नियम और शर्तें ठेकेदार के समक्ष रखी गई थी उसकी जांच वे स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस लोगड़ा में बने पिट्स ठीक बने हैं या नहीं, इस बारे में वे जांच के बाद ही कुछ जानकारी दे पाएंगे। ये मामला जो है ये साल के बाद या सवा साल के बाद अचानक उठाया गया है। इसके ऊपर पहले भी हमारे उच्च अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, उनको भी हमने दिखाया था और उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए लिखा था, उन्होंने वो रेक्टिफिकेशन कुछ तो हद तक हमने की थी। ये जब बने थे तो उस टाइम किन परिस्थितियों में कैसी ड्राइंग थी इसकी जाँच, ये जाँच का विषय है और मैं इसमें इसकी जाँच कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो बने हैं उनको हम जिस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं कर रहे हैं अभी, और उसमें हम ड्राइंग देख के मैं बता सकता हूँ कि ड्राइंग इसकी उस टाइम कैसे बनी थी, किन हालात में कैसा काम हुआ था।